जिब्रील अपनी उम्र के बारे में कुछ बोलो। अस्किया सरकार हमको सही अंदाजा नहीं है, मगर आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, एक तारा 70,000 वर्ष के बाद अर्श आजम पर चमकता था, जिस तारा को मैंने 72,000 मर्तबा देखा। क्या कहना, सुभान अल्लाह। अब सही कर लीजिए, घबराइए नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा हम आपको पुश करेंगे तो आप और गड़बड़ा देंगे। एक जगह करके उंगली मत कीजिए, ठीक है? आज हम क्या बोल लीजिए, सुभान अल्लाह। आप तो जाके बोल लीजिए, याद है या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील जिस तारे को तू देखा करता था ना, वो आसमान का तारा नहीं चमकता था, वो नबूवत वाला तारा मैं ही था। अब सुनिए, पहले मेरे नबी ने पूछा, अब जिब्रील पूछ रहे, सरकार 70,000 वर्ष के बाद अब एक मर्तबा नजर आते थे, 70,000 वर्ष अब कहां तशरीफ ले जाते थे, तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील मैं वहां भी अल्लाह की ये मेरे नबी की वो इबादत है जो भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। अब सुनिए, मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा खुदा ने किया, या जिसकी तारीफ बार बार की जाए, सबसे ज्यादा खुदा ने किया या जिसकी तारीफ बार बार की जाए। अब सुनिए, मेरे नबी की तारीफ हम क्या कर सकेंगे, मौलाना एजाज क्या कर सकेंगे, मौलाना नई मुल्ला क्या कर सकेंगे, अल्लामा नियाज साहब क्या कर सकेंगे, हमारे इमाम साहब क्या कर सकेंगे, दुनिया का कोई इंसान क्या कर सकेगा, अगर खुदा को भी खुदा के महबूब की तारीफ सही में आपको देखनी हो तो किसी और के पास ना जाइए, कुरान के पास चले जाइए, एक कुरान खुद बता दे तेरे महबूब का जलवा देखना चाहते हैं, तेरे महबूब का सीना देखना चाहते हैं, तो कुरान कहेगा, आप पूछते हो नबी का चेहरा बनवा है, नबी का जाने वाला है, मेरा हबीब जाने
मसीब लाते हैं, एक को मसीब में गाते हैं, एक को मजबी में गाते हैं, एक झंडा को लेकर के खाने काबा के छत पे जाकर के लहरा दिया और ऐलान किया मुबारक हो रहमतुल आलमीन के हजरत। आज हम लोग झंडा लगाते हैं, कुछ लोग पहले कहते थे ये झंडा क्यों लगाते हो, अरे झंडा हमारी पहचान है, आप देखते नहीं है ये जब झंडा किसी के घर में लग जाता है तो पंजा का झंडा होता है, लोग समझ जाते हैं कांग्रेसी है, ये केजरीवाल का आदमी हो झाड़ू लगा देता है, लोग समझ जाते हैं ये आम पार्टी का आदमी है, अगर दूसरी पार्टी वाला हो दूसरा झंडा लगाता है, लोग समझ जाते हैं फला पार्टी का आदमी है, कहने की जरूरत नहीं है, इसी तरह हम झंडा लगा देते हैं तो कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया समझ जाती है ये वफादार है रसूल का। नारे पीछे मोहल्ला चुपचाप है, क्या बात है भाई, जोर से बोलिए आप लोग सुभान अल्लाह, आगे बोलिए या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। और हजरत मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया का आम बच्चा पैदा होता है रोता हुआ पैदा होता है, मगर मेरे नबी मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो रोते हुए नहीं बल्कि रोतों को हंसाते हुए। नबी का जुलूस निकालने वालों, नबी के नाम का नारा लगाने वालों, अपने नसीबे पे नाश करो, तुम होशियार हो गए तब नबी को याद कर रहे हो और नबी पैदा होते ही अपनी उम्मत को याद करवा रहे हो। अगर ये हमला फरमाती है जब शहजादा दुनिया में तशरीफ लाया तो आम बच्चे की तरह वो मैला कुचेला नहीं था, गंदगी में नहीं था, बल्कि साफ सुथरा ऐसा लगता था कि कौशल सभी से भूल अपनी पेशानी को रख दिया और अल्लाह की किबरियाई बयान की दूसरे लफ्जों में अल्लाह के नाम लेने के बाद अपनी उम्मत को याद फरमाया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, पैदा होते ही अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। सुनो अभी नाम सुन के जाओ, मेरे नबी की पेशानी जमीन पर लग गई तो अल्लाह ने फरमाया महबूब तुमने अपनी पेशानी रख दी है, पूरी जमीन को मैंने तेरी उम्मत के लिए मस्जिद बना दिया, अब इसको मस्जिद की जरूरत नहीं है, प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा वही उसकी नमाज हो जाएगी, दुकान में पढ़ेगा वही उसकी नमाज हो जाएगी, जहां सजदा कर देगा वो जमीन उसके लिए मस्जिद होगी। सुभानअल्लाह हो गई हजरत आमना फरमाती है ऐसी रोशन खुदी जिससे मुल्क शाम नजर आ रहा था, उसके महल्लात नजर आ रहे थे और पूरे मक्के में खुशी का इजहार होने लगा, सारे लोगों सारे लोग खुशी मनाने लगे। जिस सुबह में मेरे नबी तशरीफ लाए मक्के में सारे लोगों के घर में बेटा पैदा हुआ, सैकड़ों बच्चे पैदा हुए उस समय में, मगर किसी के घर में बेटी नहीं पैदा हुई, सबों के घर में बेटा पैदा हुआ। अल्लाह, अब आप सवाल कर सकते हैं बेटी रहमत है तो बेटी पैदा होना चाहिए, नहीं दोस्त, बाद में नबी ने बेटी को रहमत बनाया, जिस वक्त मेरे नबी पैदा हुए उस वक्त किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती थी तो सारा घर रोता था, पूरा खानदान आंसू बहाता था, सारे लोग अपने घर को मातम कथा बना देते थे, बेटी पैदा हुई बेटी पैदा हुई, ए मुसलमानों खुशी मनाना ये आम आदमी की सुन्नत नहीं, ये तो रहमान की सुन्नत है, अल्लाह ताला ने सबों के घर में बेटा दिया ताकि मेरा नबी जाए तो किसी घर से रोने
और सरकार का कदम जमीन में आ गया और जितने बुत थे वो सब मुंह के बंदी हुए। आतिश कदा ये फारस सर्द पड़ गया, इबलीस चीखने लगा, बिलबिलाने लगा, रोने लगा किनारे जाकर के। किसी शख्स ने पूछा, अरे आज तो खुशी मनाने का दिन है, रो क्यों रहे हो? बोला, खुशी वो मनाए जिसको कुछ मिला है, आज तो मैं बर्बाद हो गया। बोला, हो कौन? बोला, मैं इबलीस हूं। अच्छा, इसीलिए तू रो रहा है? बोला, हाँ, अब कुफर का सिक्का नहीं, अब वहदानियत का सिक्का चलेगा। अब हमारी मौत हो गई, हमारी सुर्रिया खत्म हो जाएगी, इस्लाम का झंडा लहराएगा, अब सुबह कयामत तक लहराता रहेगा, तो 12 रबीउल अव्वल के दिन उदास होना ये इबलीस वालों की सुन्नत है, और उसकी खुश होना फरिश्तों की भी सुन्नत है। Shackley!